लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी का लेटेस्ट लैपटॉप जो एचपी ने हाल ही में लॉन्च किया है राइजन 3 7000 सीरीज के साथ। जी हाँ, एएमडी ने अपनी 7000 सीरीज लॉन्च कर दी है और अब नए नए जितने भी लैपटॉप राइजन में आ रहे हैं मोस्टली सारे 7000 सीरीज में आ रहे हैं। इससे पहले हमने रिव्यू किया था राइजन 5 और राइजन 7 एरो सीरीज के अंदर और आज हम रिव्यू करेंगे राइजन 3 के अंदर 7000 सीरीज जो एचपी ने लॉन्च किया है अपनी स्टार्टिंग रेंज के अंदर। राइजन 3 में मॉडल नंबर है FC0025AU। राइजन 3 है 7000 सीरीज के साथ, 8GB रैम है, 512GB SSD के साथ ये लैपटॉप एचपी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे राइजन 3 FC25AU लैपटॉप का जो राइजन 3 में है। 8GB रैम है, 512GB SSD है, 15.6 इंची फुल HD LED डिस्प्ले के साथ एचपी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग। और हाँ, कहीं मत जाइएगा, आज भी हम इस लेटेस्ट लैपटॉप को फिजिकली ओपन करके आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे यही कहूंगा हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी हम जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप होंगे, जितने भी लॉन्च होंगे, हम कोशिश करेंगे हर लैपटॉप का रिव्यू करेंगे, आपके लिए अनबॉक्सिंग करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे सब लैपटॉप्स को फिजिकली ओपन करके आपको दिखाएं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, पहले देखते हैं एडाप्टर। 65 वाट का एडाप्टर है जो इसके साथ आता है, नॉर्मली 65 वाट का है, प्रीमियम केबल और एक मैनुअल, ये मोस्टली हर लैपटॉप के साथ आपको मिलता है। चलिए देखते हैं लैपटॉप। देखिए अगर मैं कहूं लुक वाइज तो एचपी ने इसमें खास कुछ चेंज नहीं किया है। पहले भी जो मॉडल आ रहे थे एचपी के अंदर राइजन 3 5000 सीरीज में, वो भी सिल्वर में ही थे, फाइबर बॉडी के अंदर ये आपका लैपटॉप आता है, स्लीक है। अगर मैं बैक साइड में देखूं तो वही आपका वेंट, वही दो रबर्स हैं आपको जो मिलते हैं। और बॉडी में कहूं तो जो एचपी की ऑलरेडी 15S 14S सीरीज चल रही है उसकी बॉडी भी काफी बेटर एचपी देता है अपने लैपटॉप के अंदर। दोस्तों देखते हैं एचपी ने इसमें क्या क्या पोर्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड देखेंगे लैपटॉप की, तो सबसे पहला पोर्ट है आपका चार्जिंग जैक जिससे आपका लैपटॉप चार्ज होता है, और उसके साथ में आपको दे रखा है USB SS जिससे आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं USB से और आप डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दोस्तों लैपटॉप के राइट साइड में देखते हैं कौन कौन से पोर्ट हैं। सबसे पहला USB SS जिससे आपका डाटा फास्ट ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद है आपका HDMI, आपका प्रोजेक्टर या एक्सटर्नल LED TVs वगैरह कनेक्ट करने के लिए। फिर आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट, आप इससे लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते लेकिन आप डाटा ट्रांसफर इस पोर्ट से कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलता है 3.5mm का ऑडियो जैक जिससे आप अपने हेडफोन माइक और आप स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। AMD Ryzen 3 7320U with Radeon Graphics इसका प्रोसेसर है। बेस स्पीड देखेंगे 2.4 GHz है लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, बूस्ट अप होके 4.1 GHz तक जाता है। चार फिजिकल कोर हैं और अब लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो 8 है और L3 कैशे की बात करेंगे तो 4MB है। दोस्तों राइजन ने 7000 सीरीज अपनी 6 नैनोमीटर प्रोसेसर में लॉन्च करी है। जितने भी 7000 सीरीज में है वो सारे के सारे प्रोसेसर 6 नैनोमीटर में है। बात करेंगे रैम की, 8GB रैम है, स्पीड है 5500 MHz की, दो सॉकेट है, दोनों यूज है। मैं आपको बता दूं इसमें LPDDR5 रैम लगी हुई है, ऑनबोर्ड रैम है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। डिस्क देखेंगे इंटेल की 512GB SSD है जिसकी कैपेसिटी 477GB है। वाईफाई 6 आपको इसमें मिलता है। अगर आपका 5G राउटर है तो स्पीड काफी अच्छी आएगी। ग्राफिक्स देखते हैं, AMD Radeon 610 इसमें आपको ग्राफिक्स मिलता है जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपको मिलता है 512MB। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 15.6 इंचेस का LED डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है नैरो बेजल के साथ, टू साइड इसमें नैरो बेजल आपको मिलेंगे। और अगर हम निट्स की बात करेंगे 250 निट्स है और 45% आपको इसमें
NTSC मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा इसमें HP ने जो दिया है वो SD720P दिया है विद डुअल एरे माइक के साथ आपको इसका कैमरा मिलता है। इसके कैमरे की खासियत जो HP ने अब अपने जो स्टार्टिंग मॉडल्स के अंदर भी देनी शुरू करी है वो है इसका शटर फैप कैम। देखिए दोस्तों ये है इसका शटर, अगर आप इसे लगा देंगे तो आपका वेबकैम आपकी परमिशन के बगैर कोई भी यूज नहीं कर सकेगा। आज की डेट में ये फीचर बहुत ही जरूरी हो गया है। आज के युग में जो सबसे ज्यादा हैकिंग चल रही है, कोई भी आपका लैपटॉप हैक करके आपके बिना परमिशन के आपका कैमरा हैक कर देख सकता है और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है आपके बिना परमिशन के। तो जब आपने कैमरा यूज नहीं करना है तो हमेशा कैमरे को शटर ऑफ करके आप यूज करिए। तो दोस्तों वक्त आ गया लैपटॉप फिजिकली ओपन करने का। मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूं आज, क्योंकि देखते हैं HP ने अपने 7000 सीरीज के लैपटॉप में क्या क्या पार्ट्स कहां-कहां लगाए हैं। दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। मैं आपको ये कहूंगा आप खुद मत खोलिएगा, जितना इजी वीडियो में लगता है लैपटॉप खोलना उतना इजी नहीं होता। इसके काफी प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं जो टूट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप्स में। ये देखिए, ये है सबसे पहले प्रोसेसर, 7000 सीरीज का प्रोसेसर आपका यहां लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है आपके फैन के साथ। ये हमारा मदरबोर्ड है, जहां मदरबोर्ड खत्म होता है वहीं हम अब फैन यूज करते हैं जितनी भी कंपनीज हैं। देखेंगे यहां पे आपको अलग से दिखाई दे रही है, ये है SSD 512 GB इंटेल की SSD इसमें लगी हुई है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहां आपका लगा हुआ है Wi-Fi 6 जो हमने दिखाया था। देखिए इसमें रैम आपको नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि ऑन बोर्ड रैम है। यहां पे दो इसमें ऑन बोर्ड रैम लगी हुई है, इस रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं रैम को, ये ध्यान रखिएगा रैम इसमें अपग्रेड नहीं होगी। बात करेंगे, ये हमारा बैटरी है, 3 सेल की बैटरी है 41 वर्क आवर्स के साथ। यहां पे दो स्पीकर्स दिए हुए हैं HP ने। तो दोस्तों देखिए इसमें हमारा अभी तक ओवरऑल रिजल्ट यही है, सिर्फ हम इसमें SSD अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी पुरानी SSD को रिमूव करके और कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया, रिव्यू किया HP का लेटेस्ट लैपटॉप 15S में FC0025AU। देखिए अगर आपकी ये किस पर्पस में आपके आ सकता है, देखिए अगर आपने वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करनी है तो ये लैपटॉप आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बेसिक आपने वीडियो एडिटिंग करनी है और गेमिंग तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे 4K एडिटिंग की या हार्डकोर गेमिंग की, उनके लिए 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है जो ये आपके लिए नहीं यूजफुल है। आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करना है, आपने इंटरनेट पे काम करना है, आपने ब्राउजिंग करनी है, आपने क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, आप उन सब पर्पस के लिए ये लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सफिशियंट है। 7000 सीरीज है AMD Ryzen 3 की, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सारे काम करने में। HP इसके अंदर आपको विंडोज 11 SL लाइफ टाइम वर्जन देता है और MS Office 2021 होम एंड स्टूडेंट जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वन नोट आपको मिलते हैं, ये दोनों ही आपके लैपटॉप में लाइफ टाइम रहते हैं आपके लैपटॉप की लाइफ के अंदर। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए मार्केट में ये आपको अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। कुछ HP वर्ल्ड के हमने एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जाके वहां पे टच एंड फील करके लैपटॉप ले सकते हैं। बात करेंगे वारंटी की, तो HP इसके साथ 1 ईयर की वारंटी देता है ऑन साइट और अपग्रेडेशन की भी ऑफर देता है जो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है, जस्ट एक बैक टू स्कूल बैक टू कॉलेज आपको मिलते रहेंगे। एक बहुत नॉमिनल चार्जेस में HP इसको 1 ईयर से 3 ईयर तक अपग्रेड कर देता है और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी आपको मिल सकता है। जब भी आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे तो वहां के जो सेल्स एक्सिक्यूटिव होंगे वहां पे आप पूछ सकते हैं कि एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन के कितने चार्जेस हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। देखिए इस लैपटॉप में मुझे सबसे खास बात क्या लगी, क्योंकि HP ने इसके कीबोर्ड के कलर में चेंजेस करे हैं। पीछे जो भी सिल्वर वर्जन में लैपटॉप आ रहे थे नेचुरल सिल्वर के अंदर, उन सब में जो कीबोर्ड था वो सिल्वर था और कस्टमर का जो फीडबैक था कि उसके अंदर कीज के कलर थोड़े से कम दिखाई देते हैं, खासतौर से जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनको बहुत कम दिखाई कलर मतलब बहुत कम दिखाई देता था कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फाबेट्स लिखे हुए होते थे। तो HP ने उस फीडबैक को रिस्पॉन्स करते हुए अपने लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड का कलर चेंज किया है, जिससे आप बहुत ही इजीली
अब इसके कीज के ऊपर जो अल्फाबेट मेंशन है वो आप इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस लैपटॉप को लेके आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपकी नजर में रह गया है कोई क्वेश्चन तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा हो जो आप चाहते हो कि आगे हम अपनी वीडियोस में कवर करें, आप वो भी हमें सजेशन दे सकते हैं। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं और उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि उससे जैसी वीडियो अपलोड होती है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है, सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि कोई नया लैपटॉप आया है और उसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग आप हमारे चैनल पे आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।